गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम छोटे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। तो पहला सम है ये आप देख लेते हैं, 60 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो हमें निकालना है 60 को कुल हम कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं। इसको निकालना थोड़ा सा टफ होगा। 60 को अगर मुझे टोटल निकालना हो, सिंपल सा बताना हो, तो मेरे लिए टफ होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बता देंगे जिसको आपको सॉल्व करने में 10 से 12 सेकंड लगेंगे, इसमें आप सॉल्व करके इसको बता देंगे। तो यहाँ पे गिवेन है 60, 60 का हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 60 का प्राइम फैक्टर सबसे पहले निकाल लेंगे, तो ये कटेगा 2 से, 2 30 जा 60, अगेन 2 से कटेगा, 2 15 जा 30, अगेन 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, अगेन 5 से कटेगा, 5 1 जा 15, ओके 5 1 जा 5। तो 60 का हमारा टोटल फैक्टर हो गया 2 × 2 × 3 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 1। ठीक है गाइस। तो यहां पे हमें कुल कितनी संख्याओं से 60 को भाग दिया जा सकता है वो निकालने के लिए जो इसकी पावर्स होंगी, पावर्स में 1 ऐड करके आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, फिर इस वाले 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा अगेन 2। ठीक है, अगेन क्या आएगा 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 × 2 = 12 = आवर राइट आंसर। तो 60 को कुल 12 संख्याओं से क्रम बाय क्रम डिवाइड कर सकते हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है 15 की घात 25, 15 की घात 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे हम ज्ञात करेंगे? अगर हम नॉर्मली ज्ञात करने की कोशिश करें तो आई होप ये बहुत लंबा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ एक ट्रिक से बताते हैं, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा वे बताते हैं और जो कि बहुत ही आसान है, आपको करना भी आसान होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, 15 × 25 ये गिवन है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 15 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 15 को प्राइम फैक्टर्स में ऐसे नंबर्स करते हैं जिससे ये प्राइम फैक्टर में टूट जाए, प्राइम नंबर्स में टूट जाए। तो हमें पता है 3 × 5 कर देंगे तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा और ये पावर 25 रन देते हैं। अंदर हमने तोड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हो गई। कितनी संख्या हो गई? 1 और ये 2। 2 से क्या करते हैं, 25 को गुणा कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 2 क्या होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप यहाँ पे 25 × 50 होता है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मतलब जो 15 × 25 है इसमें कुल कितने फैक्टर्स होंगे, 50 अभाज्य गुणनखंड होंगे, 50 अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सब करना आसान होगा आप सभी के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, यहां पे हमने एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ले रखा है, उसे पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है, 48 × 25। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 15 × 25 था, इसमें हमने ले लिया 48 × 20। तो उसी तरह से करते हैं। इसमें हमने क्या बताया था आपको, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 48 पर फर्स्टली लिख लेते हैं, 48 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 4 × 8 × 16 × 3 = 48। आई होप दिस फैक्टर्स ऑफ 48, और इसकी पावर 20 मैंने बोला था, 20 रन देते हैं, 20 हमने कर लिया यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, हमने बोला था जितनी संख्याएं होंगी उससे मल्टीप्लाई करना होता ना। मैंने पिछली संख्या हमारे पास दो नंबर्स आए थे केवल 1 और 2, अब इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं, फैक्टर्स चाहे जितने भी, पावर हमें सिंगल रखनी है, सब में पावर 1 ही रखनी है, ये आप जानिएगा, सब में पावर 1 रखनी है। देखिए सबकी पावर 1 है, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर हो गए। तो इसमें 5 कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया इसके पावर से, ठीक है, 5 × 20, ये हमारा क्या हो गया, सो 100 इज आवर राइट आंसर। मतलब इस नंबर के 48 × 20 के टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 100 होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 100 होगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें, फटाफट लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।